उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे की आवाज को लेकर बहस हुई। बात बिगड़ी, पथराव से लेकर एक युवक की हत्या तक पहुंच गई। आगजनी हुई, मकान दुकान सब फूंक डाले गए। अभी भी हालात तनावपूर्ण है, रास्ते बंद हैं, बॉर्डर सील है, ड्रोन से निगरानी हो रही है। 2 दिनों तक पुलिस प्रशासन की लापरवाही और नाकामी ने बहराइच के महाराजगंज इलाके में जो हालात पैदा कर दिए वो बेहद अफसोसनाक कहे जा सकते हैं। अब पुलिस कार्रवाई के नाम पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, आरोपियों की धरपकड़ के दावे किए जा रहे हैं, दंगाइयों पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। इस पूरी वारदात में राम गोपाल मिश्रा नाम के 24 साल के एक नौजवान की मृत्यु हो गई। दर्जन भर मकान दुकान वाहन फूंक डाले गए। जाहिर तौर पर इसे लेकर सियासी सवाल उठाए जाएंगे, विपक्ष ऐसे सवाल उठा भी रहा है, लेकिन इस घटना ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और वो सवाल यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की एक तस्वीर के हवाले से और मौजूद हो जाता है। क्योंकि 2 दिनों तक जब बहराइच में हालात नहीं संभले तो खुद अमिताभ यश को मौके पर हाथ में हथियार लेकर उतरना पड़ा, और जब ऐसी तस्वीर आती है तो सवाल फिर खड़े होते हैं कि यूपी में एक विसर्जन जुलूस तक शांति से निकालने में नाकामी क्या विधि व्यवस्था की नाकामी नहीं है? क्या विसर्जन यात्रा के रूट से लेकर डीजे विवाद तक और पथराव से कत्ल तक पुलिस बुरी तरह नाकाम नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल जो कि सियासी वार पलटवार में दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ध्रुवीकरण के लिहाज से तनाव जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल सैकड़ों की भीड़ में से एक युवक की खींच कर हत्या कर दी गई। विरोध में 2 दिनों से बहराइच धधकता रहा, और इस बीच उबलती रही सियासत कि यूपी में चुनाव है इसलिए बहराइच में तनाव है। और तनाव की हालत यह है कि कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पथराव के बाद हुए विवाद में एक युवक की हत्या हो गई, और आक्रोश में उबलते लोगों ने सड़क जाम किया, आगजनी की, धरना प्रदर्शन किया। पुलिस को हालात का पूरा अंदाजा हो चुका था, पीएसी बुला ली गई थी, पुलिस फोर्स पर्याप्त थी, पुलिस चौकस थी, फिर भी हत्या के आक्रोश के बहाने उपद्रवी दूसरे दिन भी घूम घूम कर बहराइच की सड़कों पर आगजनी कर रहे थे, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे, शोरूम को आग के हवाले कर रहे थे, धरना प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस बेचारी बनी हुई थी, गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियां मौजूद है जहां से धुआं निकल रहा है। जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। हालात बिल्कुल भी बेकाबू हैं इस समय। आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरें, आग लगा दी गई है। ये घर है, घर में ट्रैक्टर है उनमें आग लगा दी गई है, बाइकों में आग लगा दी गई है। ये घर के अंदर का नजारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर का नहीं है। कि आप घर के अंदर के हालात देखिए कि किस तरीके से पूरा घर जल रहा है, और ये बहराइच का ही कबाड़ी टोला का ये घर है, यहाँ से लोग भाग गए हैं। एक तरफ बहराइच में उपद्रव चल रहा था तो दूसरी ओर सीएम योगी सुबह से ही बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे, रिपोर्ट ले रहे थे, उन्हें निर्देश दे रहे थे। और दोपहर होते होते फिर एक तस्वीर दिखी जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद हाथों में पिस्टल लहराते हुए उपद्रवियों को कंट्रोल करने उतर पड़े थे। उपद्रव पर तो फिलहाल नियंत्रण होता दिखा, लेकिन इस पूरे बवाल के आगे पीछे की कहानी देखें तो सबसे बड़ा सवाल इसी पुलिस पर उठता है, क्योंकि बहराइच के महसी तहसील में हरदी थाना इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस जा रहा था। रूट की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, वो नाकाम रही। उस रूट पर डीजे को लेकर विवाद हुआ, पुलिस हालात नहीं संभाल सकी, आसपास के घरों से जुलूस पर पथराव होने लगा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी, पथराव से भगदड़ मची, पुलिस यहाँ भी नाकाम रही। और आरोप है कि राम गोपाल मिश्रा नाम के 24 साल के युवक को कातिलों ने घर के अंदर खींच कर गोली मार दी और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और तो और हत्या के बाद आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़ 2 दिनों तक चलता रहा, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। वारदात के बाद कानून सम्मत कार्रवाई, जी हाँ, तमाम बवाल, पथराव, हत्या, आगजनी के बाद पुलिस ने पथराव करने वाले घर की पहचान कर ली। सलमान नाम के मुख्य आरोपी का नाम तय कर लिया। अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकाऊ और मारफ अली, 6 लोगों के खिलाफ नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
30 लोगों को हिरासत में ले लिया और बाकी दंगाइयों की पहचान की कोशिश में जुट गई। सबको खदेड़ा जा रहा है, पूरे एरिया को हम फ्लश आउट कर रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल हमारे साथ है और जितने उपद्रवी हैं सभी को खदेड़ा जा रहा है। अभी तक मैम गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? 30 लोग गिरफ्तारी हुए। बहराइच में जो अफसोसनाक घटना हुई उसके जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, आयोजकों से लेकर बाशिंदे तक हैं। लेकिन दंगे के बाद अब कार्रवाई चल रही है और साथ में चल रही है सियासत, जो चुनाव के नाम पर और परवान चढ़ेगी। ये प्लांटेड रॉइट है कि कुछ फ्रिंज ग्रुप जाएंगे, मुसलमानों को उकसाएंगे, उनको सड़क पर लाएंगे, उनकी मस्जिदों को आप तोड़ेंगे, शहीद करेंगे, आप उनकी मां बहन को गालियां देंगे, फिर उधर से कोई अप्रिय घटना होगी और फिर शासन प्रशासन कहेगा अब हम निपटेंगे। प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है, वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। एक तरफ विपक्ष सरकार और बीजेपी पर ही दंगे प्रायोजित करने के आरोप लगा रहा था तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के सवाल भी उठा रहा था। दूसरी तरफ से सरकार विपक्ष पर ही साजिश रचने के आरोप लगा रही थी और शांति की अपील कर रही थी। किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी? ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। पूरी तरह से खड़ेंतकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल कार्रवाई के नाम पर हरदी थाने के थाना अध्यक्ष सुरेश वर्मा और मैसी चौकी इंचार्ज शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जिले की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर एक्शन बाकी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। बहराइच का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ इस समय बहराइच से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। संतोष, हालात बताएं, क्या अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है या अभी भी एहतियात बरते जा रहे हैं? तनाव क्या आपको वहां पर दिख रहा है? देखिए, तनाव जरूर बरकरार है लेकिन भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात कर दिया गया है। पूरे जो बहराइच का महसी इलाका है जहां पर बीते 24 घंटे से दंगा हो रहा था, फसाद हो रहा था, वहां पर आगजनी की घटनाएं हो रही थी, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मैं इस समय पर उसी इलाके के महसी में मौजूद हूँ। ये आपको सड़क पर भारी पुलिस फोर्स दिखाई पड़ रहा होगा, पुलिस फोर्स की गाड़ियां हैं, जो सड़कों पर जो जवान तैनात हैं, हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं, पीएसी तैनात की गई है। जो कल जो नजारा था वो आज तक उसकी गवाही दे रहा है कि ये गाड़ी है, किस तरीके से कल गाड़ियों में आग लगाई गई, किस तरीके से आगजनी हुई, उपद्रव हुआ, तमाशा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ करके जिस तरीके से पूरी रात तमाशा हुआ, उसके बाद आज पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अभी हालात तनावपूर्ण जरूर है लेकिन अभी कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं आ रही है, आगजनी नहीं हो रही है, लेकिन तनाव बरकरार है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को खुद यहाँ पर उतरना पड़ा। पीएससी के चार चार आईपीएस अधिकारियों को, कमांडेंट्स को यहाँ बुलाया गया है। एटीएस की एक टीम को बुलाया गया है, 5 एसटीएफ की टीमों को बुलाया गया है। जो एंटी राइट यूनिट है पीएससी की वो यहाँ पर मौजूद है, कमांडोज मौजूद है, यानी कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है। बहराइच को उस महसी इलाके में जहां बीते 24 घंटे से हिंसा हो रही थी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो फेलियर था हुआ, उसके बाद जब लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली उसके बाद यहां पर कुछ हालात बदलते जरूर नजर आए, काबू में होते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है कि लोग दहशत में हैं, लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं। बाकी दो हिस्से में इस पूरे हिंसा को देखा जा रहा है, एक कि हिंसा जब भड़की तो इस हद तक कैसे भड़क गई, और दूसरा चलिए बाद में नियंत्रण में किया गया। शुक्रिया संतोष अभी की इस पूरी जानकारी के लिए।